I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent. This is Sashikant. Welcome to Sashikant Khandelwal channel. आज ऐसी एक छोटी सी बड़ी मजेदार कहानी है मेरे पास में क्योंकि मैं सुनना पसंद करता हूँ। इसकी वजह से वो दिमाग में रहती है और दिमाग में रहने के कारण कि जो मेरा सोचने का थिंकिंग है, जो मेरा प्रोसेस होता है, वो नॉलेजेबल होता है और उससे ना सीख मिलती है कि यस ऐसे भी होता है लाइफ में, ऐसे भी हो चुका है। आप भी कभी न्यूज़पेपर या कहीं ऐसी अनोखी कहानियाँ आपको मिल जाए पढ़ने के, या किसी की जीवन शैली के बारे में आपको मिला पढ़ने के लिए, तो जाएगा जरूर पढ़िए। उसमें से ना आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन या एक्सपीरियंस या कुछ ना नॉलेज ऐसा मिल जाएगा कि आप अपनी जीवन में अप्लाई कर सकते हो। एक समय की बात है, एक आदमी सपना देख रहा होता है 2-3 दिन से, वही सपना उसे रोज डेली का डेली दिखाई पड़ रहा होता है। तो उसने उस सपने को बारे में, उस सपने का आंसर जानने के लिए ना अपने एक गुरुजी के पास गया। उसके गुरुजी रहते थे शहर में, तो झोला झंडी उठाया और पहुंच गया शहर में। और शहर में जाके पहुंचने के बाद में बोला कि गुरुजी मुझे डेली है ना ये सपना आ रहा है और मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस सपने का मतलब क्या है और अर्थ क्या है। तो फिर गुरुजी भी बड़े एक्साइटेड हुए, क्या हो गया भाई, तू 3 दिन से एक ही सपना देख रहा है और हमें तो ऐसा नहीं आता। तो गुरुजी, हाँ मैं परेशान हूँ, क्या आप मुझे इस जवाब का उत्तर दे सकते हो? तो इसमें क्या, तो उसने अपनी कहानी, अपनी जो सपने में जो जो देखा था उसने स्टार्ट कर दिया बताना। और थी ये बात, गुरुजी जब मैं ये सपने में देखता हूँ तो कि मेरे पीछे एक शेर भागा दौड़ा, भूखा शेर दौड़ा चला आ रहा है और मुझे कब खा लेगा मुझे खुद नहीं पता, और मुझे तो पेड़ पे चढ़ने की आदत नहीं है, फिर भी मैं जंप लगा के कैसे भी करके अपनी जान बचाने के लिए मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। और जब पेड़ पे चढ़ता हूँ तो देखता हूँ उधर पे एक छोटी सी डाल निकली होती है, वहाँ पे सफ़ेद और वाइट कलर के चूहे होते हैं जो उस पेड़ को कुतर रहे होते हैं, पेड़ को कुतर के धीरे धीरे काट रहे होते हैं। अब मैं उस डाली पे नहीं चढ़ सकता क्योंकि डाली कमज़ोर थी और टूट ना जाए। फिर थोड़ा सा मैं ऊपर और जाने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पे एक दूसरी डाली पर एक काला नाग होता है और देख के मैं अचंभा हो जाता हूँ। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, नीचे पेड़ के नीचे भूखा शेर बैठा हुआ है, अगर मैं नीचे गया वो मुझे खा डालेगा, अगर इस डाली पे गया ऑलरेडी उस जो डाली है वो ऑलरेडी दोनों वाइट चूहे कुतर रहे हैं, वो भी टूट जाएगी और यहाँ पे जहरीला सांप है, वहाँ पे भी नहीं जा सकता। और मैंने ठीक थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश की तो उधर पे देखा मैंने एक ऊपर छोटे से कोनरी मधुमक्खी का छत्ता था। वहाँ पे मुझे जाके पता चला उस मधुमक्खी का जो छत्ता है वो उसमें से एक रस्ट पकने वाली है और वो जीप पे मेरे जाके, मैंने अपनी जीप को फैलाया और वो मेरी जीप पे आ गई और उसका जो रस था मधुमक्खी का वो जो रस था, जब मैं उसे अपनी जीप पे लिया तो मैं बड़ा मस्त मुग्ध हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पर हूँ और ना मुझे पेड़ वाइट और सफ़ेद चूहे थे, मुझे उनकी भी खबर नहीं, जो उस मेरे दाहिनी ओर जो काला सांप था मुझे उसकी भी कुछ फिक्र नहीं, मुझे यहाँ तक कि ये भी डर नहीं कि नीचे मेरे शेर बैठा हुआ है वो मुझे खा लेगा और मैं उस मधुमक्ख के रस को पीते ही बड़ा मदहोश हो गया, मगन मस्त हो गया। अब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था तो गुरुजी मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा था। तो उसके गुरुजी ने उसे बताया और गुरुजी बड़े ध्यान से सुन रहे थे तो उसे बताया, जो तुम्हारे शेर जो तुम्हारे पीछे आ रहा है ना वो तुम्हारी मौत है, वो तुम्हें कब खा ले तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कभी भी मर सकते हो। और जो तुमने देखे एक दूसरी डाली पर, जो लेफ्ट साइड की डाली पर वाइट और सफ़ेद चूहे थे, वो दिन और रात है, जिस तरह हमारी लाइफ में हर रोज रात और दिन होती है वो दिन और रात थे। और जो तुमने मधुमक्खी का छत्ता देखा जिसमें से रस टपक रहा था वो हमारा जीवन है, किस तरह हम उसे बिता रहे हैं, जब वो रस आपकी जीभ पर आया किस तरह तुम आनंद मुग्ध हो गए, किस तरह तुम बड़े मस्त हो गए, तुम्हें किसी बात का टेंशन नहीं, सांप कब काट ले या फिर वो जो खरगोश जो चूहे हैं वाइट सफ़ेद और जो शेर है उसे तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यही यही हमारे जीवन में होता आया है,
हम अपनी मौत के पीछे भागते हुए हैं, मौत हमारे पीछे भाग रहे हैं। हम धन के पीछे पड़े हुए हैं और अपने आसपास के लोगों को भूल जा रहे हैं। हमें बनना कुछ और है, हम कर कुछ और रहे हैं। हमें जिसमें सेटिस्फैक्शन, जिसमें सहनशीलता, जिसमें हमारा प्यार है, हमें वो करने के बजाय हम कुछ कर और रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम। हमारे पास अच्छा खासा एक्सक्यूजेस है बिकॉज ऑफ मेरी फैमिली, अगर मैं नहीं किया तो क्या होगा। हमने ऑलरेडी अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि नहीं किया तो क्या होगा। भाई एक बार कर तो ले, फिर देख क्या होगा। या तो कुछ सीख मिलेगी या तो फिर तू जीत जाएगा। तो उस गुरुजी ने उसे अच्छे से समझाते हुए कहा कि अपने लाइफ में तुम अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे काम करते रहो, अपनी फैमिली और अपने भाइयों, अपने रिलेटिव्स, अपने तुमसे जो जुड़ने वाले हैं, कुछ ऐसा करो कि सब तुमसे जुड़े, अच्छे से जुड़ रहे हैं, कोई तुम्हारे तुम्हें से कोई मतलब रूबरू दूर ना हो जाए, कोई गिल्टी फील ना हो, कोई जलवेसी ना रहे। अच्छा काम करो, सब अच्छे से अपने पैशन को पहचानो, अपने हार्डवर्क को पहचानो और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि लगे कहेगी तुमने कुछ करके दिखाया। सो गाइस, आपके भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए ना तो कुछ कर दिखाइए यार। उस प्रॉब्लम को लेके मत बैठिए, या तो फिर प्रॉब्लम आपको मार डालेगी या फिर आप प्रॉब्लम को मार डालिए। आती है, सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, सो वी हैव टू बी फेस इट। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो प्रॉब्लम आपको ख़त्म कर देगी। आपको अगर पता चल गया है मेरी कमी कहाँ पर है, मैं कहाँ पे अपने आप को सुधार सकता हूँ, आप सुधारिए अपने आप की लाइफ, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। और अभी तक मैं आपको एक बता दूँ, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, देयर इज़ नो बडी इज इंटरेस्टेड इन योर लाइफ कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, कहाँ जाना है। बस जब तक का जो जिसके लिए आपका मतलब होगा ना, उस बंदे के लिए, जब तक आप मतलब के इंसान होगे ना तब तक यूज़ की हो जाओगे। जब आपका मतलब ख़त्म हो गया ना, आपको उठा के ऐसा फेंक देगा जिस तरह चाय में से मक्खी को निकाल देते। तो अपने आप को कुछ ऐसा पावर बना के दिखाओ ना, जहाँ पे आप खड़े हो जाओ वहाँ पे लाइन लग जाए। वो भी दिन आएगा, मेहनत लगेगी, बट वो भी दिन आएगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फायर डालो, ख़त्म कर दो, भूल जाओ सारे बकवास फ्रेंड को। वी हैव टू बी, थैंक यू सो मच, यू आर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।